हेलो, हाँ कौन? जने जुबैद। हेलो, हाँ कैसे याद किया मुझे? मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो। अरे यार, तुमसे कोई नजरें उजरे नहीं छुपा रही है, समझियो, नहीं तो मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। लगता है किसी और गली जाने लगे हो। अरे मैं किसी गली उली में नहीं जा रही, टाइम निकाल कर बागों में जाना पड़ रहा है, समझियो ना। अच्छा तो तुम ये चाहती हो कानों की बात ढोलों से पिटे है और मेरी इज्जत खराब हो जाए, मतलब मैं अपनी इज्जत खराब करूँ? मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। अरे यार, तुम कह रही हो इशारे के लिए मैंने बाग तक कहानी पहुंचा दी है, फोन किस लिए किया ये बताओ बस। तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई? ओए मम्मी के बारे में होश में बोल, समझ गई ना? और कुछ चीज नहीं बनाई यहाँ पे, दाल रोटी है सिर्फ। और तेरे को क्या खाना ये बता दे बस। मलाई चाहिए? बात तो तू ऐसे कर रही है जैसे पूरे मुरादाबाद की भैंसे मेरे घर में पल रही हो। देख, मलाई तो जब मिलेगी जब तुम मुझसे शादी करेगी, समझ गई ना? क्यों रहने दूं भाई? अरे यार, तू सब बात छोड़, कल बता बकरी चुगाना अकेली क्यों चली गई? क्योंकि तुमने मुझे वापस फोन नहीं किया। अरे यार, फोन तो ये जब भी तो वापसी करता जब का मेरे मोबाइल में बैलेंस होता। साला जियो वाले ने 10 रुपए और बढ़ा दिए, 10 रुपए भीख मांगते मांगते मर गया घर वालों से। अरे तू बकरी चुगाना अकेली चली तो गई, अगर तेरी बकरी को कोई पकड़ लेता और तुझे कोई पकड़ लेता तो? तूने मुझे ना एक किस्म का चपरासी समझ रखा है, कल से मेरे संग चलिए बकरी चुगाने। चले, एक बात सुन, तू पूछ रही थी ना किसी और गली जाने लगे हो, मैं बताऊं तुझे सच्ची बात, कल भंडारा हो रहा था मंदिर में, 2 दफे खा लिया, बेईमानी से रसगुल्ले भी छीन लिए, बस दस्ते लग गए मुझे, जंगल में भागना पड़ा।